एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। सो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर सेफ एंड फाइन। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सीजन्स। सो लेट्स नो अबाउट व्हाट इज सीजन। ओके, सो सीजन इज अ टाइम इन विच क्लाइमेट और वेदर ऑफ आवर एनवायरनमेंट गेट्स चेंजेस ड्यूरिंग अ ईयर। सो सीजन एक समय है, एक टाइम है, जिसमें क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट का वेदर क्लाइमेट चेंज होता है पूरे साल में, है ना। सो सीजन इज अ टाइम इन विच क्लाइमेट और वेदर ऑफ आवर एनवायरनमेंट गेट्स चेंजेस ड्यूरिंग ईयर। सो बच्चों, आपको समझ में आई? इन सीजन इज अ टाइम इन विच क्लाइमेट और वेदर ऑफ आवर एनवायरनमेंट गेट्स चेंजेस ड्यूरिंग अ ईयर। दे आर फाइव सीजन्स, ओके, समर, रेनी, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। ओके, सो समर, रेनी, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। लेकिन बच्चों, आपने कभी सोचा है कि समर से रेनी, रेनी से विंटर, विंटर से स्प्रिंग और ऑटम कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज होता है? आपने कभी सोचा है कि कभी गर्मी का मौसम आता रहता है, उसके बाद बारिश का आ जाता है, उसके बाद ठंडी का मौसम आ जाता है? तो बच्चों, मैं बताती हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे समर रेनी सीजन के बारे में, ठीक है, क्या होते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज आवर सन एंड दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज ऑर्बिट। ओके, तो ये जो अर्थ है हमारे सन के चक्कर लगाती है ना, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, तो आवर फर्स्ट सीजन इज समर सीजन। ओके, तो समर सीजन कम्स इन अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूर्य के एकदम नजदीक रहती है, तो वो उस समय अप्रैल, मई एंड जून का मंथ चलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन तीन मंथ में समर सीजन होता है। कौन सा सीजन होता है? समर सीजन। ओके, नेक्स्ट आता है रेनी सीजन। कौन सा? रेनी सीजन। तो रेनी सीजन कम्स इन जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, जब ये पृथ्वी मूव करते करते जुलाई तक पहुंचती है, तो थोड़ा सन से दूर होती है, थोड़ा लिटिल। ओके, तो समर सीजन में जो भी बारिश, जो भी हमारे नदी नाले तालाब के पानी जो भाप बन के उड़ जाते हैं, वो उस समय रेन के रूप में हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर में मिलते हैं वापस। ओके, तो ये इसलिए ये रेनी सीजन होता है, ठीक है, रेनी सीजन होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से थोड़ा दूर चली जाती है, फिर पृथ्वी ऐसे मूव करते करते, रोटेट करते करते अक्टूबर में आती है। नेक्स्ट सीजन इज विंटर सीजन। ओके, तो विंटर सीजन स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर टू टिल मार्च फर्स्ट वीक, है ना, अक्टूबर से लेके मार्च फर्स्ट वीक तक विंटर सीजन होता है। विंटर सीजन होता है क्योंकि उस समय पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर चली जाती है, उसकी उतनी तेज रेस हमारे पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है, मतलब, है ना। तो उस समय क्या होता है, ठंडी हो जाती है, ठंडी का मौसम आ जाता है, विंटर सीजन हो जाता है। ओके, देन पृथ्वी जब फिर अप्रैल के मंथ में फिर से वो वापस आती है, तो फिर से वो सूर्य के नजदीक हो जाती है ना। तो ऐसे ही हमारा ये चलते रहता है, समर, फिर रेनी, फिर विंटर। ओके, सो बच्चों, और एक चीज, और वन थिंग, ये जो इन दोनों मंथ के बीच में जो गैप है, ये पूरा 30 डेज का ये गैप होता है। ओके, और भी हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, 365
डेज नो 365 1/4 डेज में पूरा करती है, ठीक है। तो कहते हैं ना लीप ईयर कब आता है, एवरी 4 ईयर लीप ईयर आता है, ठीक है। तो लीप ईयर में 366 डेज होता है। तो जब ये 4 साल 1/4 ये होता है, ये जुड़ते जाता है, 4 साल 1/4 1/4 1/4, ठीक है। देन 1 2 3 4 बटा 4, ओके 4/4। अब ये कट कर देंगे, सो 1 डेज, सो यही 1 डेज वो जुट जाता है लीप ईयर में जाके, जो कि फरवरी में आता है ना, 28 से 29 डेज का हो जाता है। सो लीप ईयर एवरी 4 ईयर इज लीप ईयर, ओके। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, 4 × 1/4 ये कट हो गया और 1 डे ये निकल जाएगा, ओके। सो लीप ईयर 366 डेज का होता है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन कैसे आता है ना। जब पृथ्वी सूर्य के एकदम नजदीक होती है तो समर सीजन होता है, जब पृथ्वी थोड़ा सा सूर्य से दूर होती है तो रेनी सीजन आता है, जो कि समर सीजन में जो भाप बन के पानी उड़ा था है ना, वो बारिश के रूप में, रेन के रूप में हमें वापस मिल जाते हैं। देन अक्टूबर से लेके मार्च तक विंटर सीजन होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अर्थ सूर्य से थोड़ा बहुत दूर चली जाती है ना। फिर अपने सो चिल्ड्रन दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, ओके। सो लेट्स नो अबाउट सीजन्स, पर्टिकुलर सीजन, ओके। सो चिल्ड्रन आवर फर्स्ट सीजन इज समर सीजन। सो समर सीजन कम्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल मे एंड जून। सन शाइन इट्स ब्राइटर एंड डे अकर्स वेरी हॉट। वी ड्रिंक प्लेंटली ऑफ वाटर एंड ईट कूल कूल आइसक्रीम एंड ड्रिंक कोल्ड कॉफी एंड एक्सेट्रा। वी वियर कॉटन क्लॉथ बिकॉज कॉटन क्लॉथ कीप अस कूल, ओके। इन द समर सीजन डेज अकर वेरी लॉन्गर एंड नाइट शॉर्टर, ओके चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। समर सीजन में कब आता है, अप्रैल में एंड जून में, और उसमें बहुत गर्मी होती है ना। जनरली इन समर सीजन ऑल स्कूल्स आर क्लोज्ड एंड वी गो ऑन द हॉलीडेज, ओके। समर सीजन में क्या है, सारे स्कूल बंद हो जाते हैं और हम लोग छुट्टियों पे जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, ओके। आवर सेकेंड सीजन इज रेनी सीजन, ओके। सो लेट्स नो अबाउट रेनी सीजन। रेनी सीजन आवर सेकेंड सीजन इज रेनी सीजन, ओके। रेनी सीजन कम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर। द स्काई बिकम्स वेरी क्लाउडली एंड देर इज वेरी हैवी रेनफॉल, ओके। देखो बच्चों बारिश हो रही है ना, वेरी हैवी रेनफॉल, ओके। व्हेन वी वांट गो आउटसाइड इन द रेनी सीजन, सो व्हाट वी विल डू, वी वियर रेनकोट एंड टेक अ अम्ब्रेला विथ अस, देन वी विल गो आउटसाइड, ओके। जब हमें बारिश में बाहर जाना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले रेनकोट पहनना चाहिए, फिर हम अपने साथ एक अम्ब्रेला लेके ही हमें बाहर जाना चाहिए, ओके चिल्ड्रन। सो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस लाइक एनिमल, ह्यूमन बींग, प्लांट, ओके चिल्ड्रन। सो आपको समझ में आ गया रेनी सीजन। रेनी सीजन कब आता है, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर में, ओके। लेट्स नो अबाउट आवर थर्ड सीजन, विंटर सीजन, ओके। सो आवर थर्ड सीजन इज विंटर सीजन, ओके। विंटर सीजन स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड कंटिन्यूस टिल फरवरी टू मार्च। डेज बिकम शॉर्टर एंड नाइट लॉन्गर। इन दिस टाइम और सीजन वेदर रिमेन कोल्ड, ओके। वी वियर वूलन क्लॉथ बिकॉज वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म। पीपल प्रिफर हॉट फूड और हॉट ड्रिंक लाइक टी कॉफी, ओके। सो विंटर सीजन कम्स इन द मंथ ऑफ
अक्टूबर एंड कंटिन्यूअस टिल फरवरी टू मार्च. ओके, लेट्स नो अबाउट आवर नेक्स्ट सीजन, स्प्रिंग सीजन. ओके, नाउ आवर फोर सीजन इज स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन रन्स फ्रॉम मार्च 1 टू मे 31st. ओके, स्प्रिंग सीजन कम्स फ्रॉम आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर. ओके, द डेज बिकम लॉन्गर एंड द वेदर रिमेन वार्मर. ओके, इन मेनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन दिस टाइम इन दिस सीजन फ्लावर ब्लूम्स एंड प्लांट्स ग्रो एंड दे गिव्स अस फ्रूट. ओके, इस समय क्या होता है, पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में कुछ जगह फ्लावर ब्लूम होते हैं, खिलते हैं और प्लांट्स बढ़ते हैं, है ना, और वो हमें फ्रूट्स देते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल नो अबाउट ऑटम सीजन. ओके, आवर नेक्स्ट सीजन इज ऑटम सीजन. ओके, ऑटम सीजन गेट स्टार्ट सितंबर 1 टू नवंबर 30. ओके चिल्ड्रन, ऑटम सीजन गेट स्टार्ट आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर. ओके, इन दिस टाइम ऑल द लीव्स ऑफ द ट्री फॉल डाउन आफ्टर टर्निंग रेड येलो एंड ब्राउन. ओके, इस समय क्या होता है, ये जो पेड़ के जो लीव्स होते हैं ना, ब्राउन रेड कलर में टर्न होके ये धीरे धीरे गिरने लगते हैं, सारा गिर जाते हैं और ये पूरा सूखा पड़ जाता है, ये पूरा पेड़ ऐसा हो जाता है, इसके सारे लीव्स गिर जाते हैं धीरे धीरे. सारे लीव्स ऐसे धीरे धीरे आफ्टर टर्न रेड येलो ब्राउन ऐसे होके ये सारे लीव्स गिर जाते हैं ऑटम सीजन में. ओके, सो चिल्ड्रन, ऑटम सीजन रन्स फ्रॉम सितंबर 1 टू नवंबर 30. ऑटम सीजन गेट स्टार्ट आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर. ओके, ऑटम इज अ टाइम फॉर हैवीएस्टिंग मोस्ट क्रॉप एंड जनरली ट्रीज लूज their leaves after turning golden yellow, brown and red. Okay, in many countries autumn is a time a new school years start. Okay children, understand, is autumn season mein trees apne sare leaves kho deta hai. Okay, samajh gaye aap log, hope you understand children. सीजन्स क्या है, आपको अच्छे से समझ गया सीजन कैसे चेंज होता है और हर सीजन में क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं. ओके चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय चिल्ड्रन.